हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में शाही मटर पनीर की रेसिपी। ये रेसिपी आप किसी भी त्यौहार या फंक्शन पर बनाकर खा सकते हो। बहुत ही लाजवाब और डिलीशियस बनकर तैयार होती है। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं दो बड़े कटे हुए प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक इसे फ्राई करना है। इस तरह का कलर होने तक इसे फ्राई करना है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 4 बॉईल करके टमाटर लिया है और टमाटर का मैंने छिलका निकाल दिया है और ये मैंने फ्राई किए हुए प्याज लिए हैं। प्याज और टमाटर दोनों को ठंडा करना है और ठंडा करके इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। थोड़े से मैंने मगज के बीज और काजू लिया है और काजू और मगज के बीज को मैंने 1 घंटे पानी में भिगोकर रखा है। इसका भी मैं फाइन पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। सेम कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गरम किया है। अब खड़े मसाले ऐड कर देती हूँ। दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, 4 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा। खड़े मसाले डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पीसी हुई प्याज और टमाटर ऐड कर देती हूँ। इसे 2-3 मिनट के लिए पका लेती हूँ। सूखे मसाले ऐड कर देती हूँ। रेड चिल्ली, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। मसाला तेल छोड़ने तक इसे पका लेती हूँ। मसाले पर अच्छी सी तरी आ गई है। अब मैं इसके अंदर काजू और मगज का मैंने पेस्ट बनाकर तैयार किया था, ये भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। एक कप पानी ऐड कर देती हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार ग्रेवी को टाइट या लूज रख सकते हो। 1 कप मटर ऐड कर देती हूँ। इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक पकाना है। मटर पककर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं पनीर ऐड कर देती हूँ। मैंने 300 ग्राम पनीर डाला है और पनीर को मैंने क्यूब्स में काट कर तैयार कर लिया है। आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े किसी भी पीसेज में काट कर तैयार कर सकते हो। इसे ढककर 5 से 7 मिनट और पका लेती हूँ ताकि पनीर भी अच्छे से पककर तैयार हो जाए। कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, हरा धनिया, तड़के के अंदर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था, मैं आपको बताना भूल गई थी। इसे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट और पका लेती हूँ। सारा प्रोसेस लो फ्लेम पर ही करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर देती हूँ। ये लीजिए, हमारा शाही मटर पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही लाजवाब और डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। आप इसे नान, गार्लिक नान, चपाती, परांठा, पूरी किसी के भी साथ खा सकते हो, बहुत ही शानदार लगेगा। आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई जरूर करना। अगर आप इसे बनाकर ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसी बनी है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय फ्रेंड्स।